हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने जाना कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी समय के साथ चेंज करता है तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी एक्सेलरेट करता है। और हम लोगों को अब ये जानना है कि एक्सेलरेशन किस तरह से फोर्स पर डिपेंड करता है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को यही बताता है। लेकिन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम लोगों को एक और फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम के बारे में जानना है। स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को चोट लग जाता है और हम लोग इंजर्ड भी हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ये जो इम्पैक्ट था, इसी इम्पैक्ट को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। अब हम लोग को ये जानना है कि ये मोमेंटम किस तरह मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉल है, एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है। हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट बॉल का मास टेनिस बॉल के मास से अधिक होता है। अगर हम लोग क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल को सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो टेनिस बॉल को रोकने में कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए हम लोगों को अधिक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है। स्टूडेंट, इस बात से यही पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास अधिक होगा उसका मोमेंटम भी अधिक होगा। इट मींस मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग दो टेनिस बॉल लेते हैं और दोनों टेनिस बॉल को डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से फेंकते हैं। तब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जिस टेनिस बॉल का स्पीड, इट मींस वेलोसिटी अधिक होता है, उसको रोकने के लिए भी हम लोगों को अधिक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है। और जिस टेनिस बॉल का स्पीड, इट मींस वेलोसिटी कम होता है, उसको रोकने के लिए हम लोगों को कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब यही है कि मोमेंटम वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस मोमेंटम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो वी डिफाइन द मोमेंटम एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी। सो वी विल राइट मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Momentum is denoted by P. So P is equals to m into v, where m is mass of object and v is velocity. अब हम लोग मोमेंटम के SI यूनिट की बात करेंगे। सो यूनिट ऑफ मोमेंटम, वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर
पर सेकेंड. सो वी विल राइट एस आई यूनिट मोमेंटम इज के जी मीटर पर सेकेंड. ना मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. इट मीन्स मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वी विल राइट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगले लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और वहां हम लोग जानेंगे कि किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फोर्स पर कैसे डिपेंड करता है. तो स्टूडेंट, तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए. जय हिंद.